व्हाइट बोर्ड शेयर कर दे रहा हूँ। उस पे जो मैं बात करूंगा वो किस पे बात करूंगा, वी विल टॉक अबाउट 12th नाइट पर, TWELFTH, 12th नाइट। सबसे पहला चीज आपको ध्यान में रखना कि जो 12th नाइट है इट्स अ प्योर ट्रेजिडी, सॉरी इट्स अ प्योर कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, इट्स अ प्योर कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर, इट्स अ प्योर कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। आई हैव रिटन अ वर्ड, और वर्ड का क्या नाम है, वर्ड में मैंने जो लिखा हुआ वो क्या है, प्योर। तो यू विल कम टू नो कि अगर आप पूछ सकते हैं सर आपने प्योर क्यों लिखा है, आपको याद होगा कि जब कल मैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस की बात कर रहा था तो मर्चेंट ऑफ वेनिस भी कॉमेडी है, लेकिन वो प्योर कॉमेडी में नहीं रखा जाता बल्कि उसको ट्रेजिक कॉमेडी में रखा जाता है। क्यों रखा गया, क्योंकि उसमें कुछ एलिमेंट जो है ट्रेजिक एलिमेंट भी थे, जैसे जो है शाइलॉक का डेथ होना और उसका डिसऑर्डर होना एंड सम किड्स थ्रो थ्री स्टोन, तो ये सब जो चीजें रही हैं वो थोड़ा सा उसको जो है कॉमेडी की कैटेगरी में तो रखती है, लेकिन वो प्योर कॉमेडी नहीं। लेकिन एज यू लाइक इट और 12th नाइट, ये दो प्ले ऐसा है जो प्योर कॉमेडी में आता है, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया इट्स अ प्योर कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। मतलब जो मैंने वर्ड यूज किया है उसके पीछे अगर कभी कोई आपसे पूछता है कि वर्ड आपने क्यों कहा प्योर या इम्प्योर, तो प्योर या इम्प्योर की बात नहीं है यहाँ पे, केवल इसलिए मैंने यूज किया कि शेक्सपियर की कॉमेडी की जो खासियत बताई जाती है कि ये उनकी कॉमेडी की खासियत है। यू विल कम टू नो ये सबसे उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको किसमें मिलेगी, यू विल कम टू नो वो 12th नाइट में मिलेगी। जो 12th नाइट उनका प्ले है, सबसे पहला चीज की इट पब्लिश्ड, सेकेंड पॉइंट इट पब्लिश्ड इन 1600, इट पब्लिश्ड इन 1600, 1600 ईस्वी में पब्लिश हुआ। तीसरा पॉइंट द सब टाइटल ऑफ द प्ले इज, द सब टाइटल ऑफ द प्ले इज What you will, the subtitle of the play is, अब इसे पहले लिख लीजिए, then I will tell you, the subtitle of the play is what you will, ये प्ले का subtitle है, the subtitle of the play is what you will। What you will, and remember that ki next point, fourth point, it has major and minor plot. It has major and minor plots. It has major and minor plots. इसमें major और minor plots है. It has major and minor plots. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन द प्ले शेक्सपियर हैज अटैक्ड द प्यूरिटन्स, फिफ्थ पॉइंट, इन द प्ले शेक्सपियर हैज अटैक्ड द प्यूरिटन्स, ये एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बता देने नेट में भी उसमें भी आ चुका है। इन द प्ले शेक्सपियर PEAR हैज अटैक्ड
P-U-R-I-T-A-N-S. इन द प्लेस शेक्सपियर हैज अटैक्ड द प्यूरिटन्स. एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच प्लेस शेक्सपियर हैज अटैक प्यूरिटन, दैट इज 12th नाइट. सब टाइटल क्या है, व्हाट यू विल, कब पब्लिश हुआ है 1600 में, कैसी कॉमेडी है, प्योर कॉमेडी है. उसके बाद जो आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना है कि इस प्ले का जो थीम है क्या क्या है. थीम में वही बातें आएंगी जो हर शेक्सपियर की कॉमेडी में रहा है. दैट इज व्हाट, लव, मैरिज, म्यूजिक, कामा, रोमांस, ब्यूटी. लव, मैरिज, म्यूजिक, रोमांस, ब्यूटी, एंड एक और पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, वो पहले भी बताया गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया को लेकर के लगभग हर जगह बात की गई है. कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया, लव, मैरिज, म्यूजिक, रोमांस, ब्यूटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ISTIC are the basic characteristics of the play. ये लगभग जब भी कॉमेडी की बात आएगी तो हर कॉमेडी में लव है, मैरिज है, म्यूजिक है, रोमांस है, ब्यूटी है और कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया. बाकी हमें पता कि उनकी कॉमेडी में, जॉन रस्किन ने कहा कि शेक्सपियर कॉमेडी देयर आर नो हीरोज बट हीरोइंस. तो फीमेल ओरिएंटेड ये मैंने पॉइंट पहले ही लिखवा दिया है. इसके अलावा जो है हमें जो ध्यान में रखना है कि अगर हम बात करते हैं कि प्ले में क्या क्या चीजें और हैं, तो एक तो पहला चीज कि इसमें जो है एक जो सेटिंग है वो ड्यूक आर्सिनो का अपना खुद का जगह, कई जगह लोकेशन चेंज हुआ है लेकिन एक इंपॉर्टेंट जगह है कोस्ट ऑफ इलीरिया. रिमेंबर दैट कि व्हेन वी टॉक अबाउट सेटिंग, कोस्ट ऑफ, COAST, कोस्ट ऑफ इलीरिया, ILLYRIA, कोस्ट ऑफ इलीरिया. कोस्ट ऑफ इलीरिया वेयर सीबेस्टियन, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैरेक्टर की भी बात लिखनी पड़ेगी. सेटिंग में कोस्ट ऑफ इलीरिया वेयर सीबेस्टियन, SEBASTIAN, वेयर सीबेस्टियन. सीबेस्टियन और वायला, ध्यान में रखना सीबेस्टियन एंड वायला, VIOLA, वायला कामा, आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर,
ईच अदर इन अ शिपरेक। ये क्वेश्चन मैं पॉइंट वाइज इसलिए लिखवा दे रहा हूं कि ये भी पूछा जा चुका है कि कोस्ट ऑफ इलीरिया एक जगह है जहां पर एक जो है समुद्र एक जहाज जो है क्या होती है शिप रेकिंग होती है। शिप रेकिंग का मतलब होता है कि जहाज टकरा जाती है, जहाज डूब जाती है। तो वहां पर ट्विंस जो कि भाई और बहन है, लेकिन वे ट्विंस हैं। वे ट्विंस कौन है? सिबेस्टियन और वायला। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने पहले जगह का नाम लिखवाया, लेकिन उस जगह पर एक घटना होती है। वो उस घटना में क्या होता है, दो ट्विंस है, सॉरी एक ट्विंस है जो जिनका क्या नाम है सिबेस्टियन और वायला। वे जो है जब जहाज टकराती है तो वे उसमें रहते हैं, लेकिन इनमें काफी रिजेम्बलेंस है। रिजेम्बलेंस मतलब समानता, दोनों भाई बहन चेहरे से एकदम एक जैसे नजर आते हैं। और होता क्या है कि दोनों वहीं पर अलग हो जाते हैं। अलग कैसे हो जाते हैं, अब जो भी राह समुद्र की लहरों में बह जाते हैं या जो भी सिचुएशन रही है। और वायला जो उसकी बहन है वो सोचती है कि मेरा भाई सिबेस्टियन डूब कर मर गया। रिमेंबर दैट कि वायला थिंक्स दैट माय ब्रदर सिबेस्टियन इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। उसके बाद जो है यह एक घटना, मैं अभी कोई कैरेक्टर पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन आपको ये घटना अपने माइंड में ध्यान में रखना है कि एक जगह है, उस जगह का नाम क्या है, कोस्ट ऑफ इलीरिया, जहां पर ट्विंस सिबेस्टियन जो कि एक लड़का है, उसकी बहन जो वायला है, लेकिन दोनों चेहरे मोहरे से बिल्कुल एक जैसे हैं, वे क्या होती है उस दुर्घटना में अलग हो जाते हैं। और वायला ये सोचती है कि मेरा भाई जो सिबेस्टियन है वह जो है क्या हो चुका है, वह जो है इस समुद्र में डूब गया, मर गया, इन अ शिपरे। जब ये चीज वो सोचती है तो अब वो सोचती है कि मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूं, मैं तो एक लड़की हूं। तभी वो जो है क्या करती है, वो जो है डिसगाइज फॉर्म करती है। कौन सा फॉर्म लेती है? डिसगाइज। और यही वायला जो है लड़के का रूप धारण करती है। किसका रूप धारण करती है? लड़के का रूप धारण करेगी। और लड़के का रूप धारण करके ड्यूक आर्सिनो के कोर्ट में, अभी जब और आगे कहानी बढ़ेगी तो वह जो है ड्यूक आर्सिनो का क्या कहते हैं कि रूप ड्यूक आर्सिनो का के यहाँ आएगी, अपनी सर्विस देगी और उनका जो है अटेंडेंट बन जाएगी। उनका क्या बन जाएगी? उनका अटेंडेंट। तो आपको इतनी चीजें मैंने आपको बताया, अभी आपको केवल तीन कैरेक्टर ध्यान में रखने हैं। एक कैरेक्टर मैंने सिबेस्टियन बताया, दूसरा कैरेक्टर मैंने आपको क्या बताया, वायला बताया है, और तीसरे कैरेक्टर का मैंने केवल नाम लिया है। जब यद्यपि अभी मैं कोई कैरेक्टर का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, केवल मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूं कि कहानी में ट्विस्ट क्या होता है, कहानी अभी कैसे आगे बढ़ेगी। तो यू विल कम टू नो कि वह जो है ड्यूक आर्सिनो के यहाँ आती है और ड्यूक आर्सिनो के यहाँ एक डिस्गाइज फॉर्म में लड़का बनकर के आती है। तो इसी वायला का जब लड़का वाला रूप होगा तो जो लड़का वाला उसका रूप है वह क्या हो जाएगा, वो सीजेरियो हो जाएगा। सीजेरियो, ये पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं, डिस्गाइज फॉर्म ऑफ वायला हु सर्व्स इन द कोर्ट हु सर्व्स इन द कोर्ट ऑफ ड्यूक आर्सिनो। अब आपको देखिए तीन चार, अब इस समय आपके माइंड में चार पॉइंट आ गए। एक पॉइंट सिबेस्टियन आ गया, दूसरा पॉइंट वायला आ गया, लेकिन आपको हमेशा यह ध्यान में रखना है कि जो वायला है वही सीजेरियो है। जो वायला है वही क्या है? वही सीजेरियो है। लेकिन वायला और सीजेरियो का मतलब क्या हो गया? वायला उसका लड़की का रूप है जो असली रूप है, और सीजेरियो उसका लड़के का रूप है जो डिसगाइज फॉर्म में है।
और वह लड़का बनकर के अपना नाम बदल करके और क्या नाम रखती, सीजेरियो नाम रखती है, किसके दरबार में आती है, ड्यूक आर्सिनो के। इसका मतलब कि जो ड्यूक आर्सिनो है उनका जो दरबार है वह एक सेंटर है जहां पर बड़े बड़े लोग आते हैं, चाहे वो सर्विस के पर्पज से हो, या आप कह सकिए कि उनके कोर्ट में ही बहुत सारी चीजें घटित होती हैं। तो यू विल कम टू नो एक पार्टिकुलर पॉइंट, और ये जो होता है सीजेरियो, ये क्या बनता है, ही बिकम्स इन द कोर्ट ऑफ ड्यूक आर्सिनो ही। अब क्योंकि मैं ही इसलिए लगा रहा हूं कि मैं यहाँ पे सीजेरियो की बात कर रहा हूं, ही प्रेजेंट हिमसेल्फ एज पेज, PAG, पेज। पेज का मतलब यहाँ पे अटेंडेंट से है, ध्यान में रखिएगा, जो पेज वर्ड है वह पेज वर्ड यहाँ पे किससे मतलब है, अटेंडेंट। ही प्रेजेंट हिमसेल्फ एज पेज ऑफ आर्सिनो। ही प्रेजेंट हिमसेल्फ एज पेज, PAG, पेज का मतलब है यहाँ पे अटेंडेंट ऑफ आर्सिनो। मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको फिर से मैं बता दूं, मैंने एक कैरेक्टर बताया सीबेस्टियन, मैंने एक कैरेक्टर बताया ड्यूक आर्सिनो, मैंने एक कैरेक्टर बताया वायला, लेकिन वायला का एक और रूप मैंने आपको बताया हुआ, वह कौन सा रूप आपको मैंने बताया हुआ, सीजेरियो, जो उसके लड़के का होने का रूप है या डिस्गाइज फॉर्म में है, और वह किसके दरबार में आती है, अगर वायला के रूप में देखा जाए तो शी कम्स इन द कोर्ट ऑफ हुम, शी कम्स इन द कोर्ट ऑफ ड्यूक आर्सिनो, लेकिन लड़का बनकर के आती है। अब आप यहां पर और चीज ध्यान में रखिए, जो ड्यूक आर्सिनो है, ड्यूक आर्सिनो इज इन लव विद अ वुमन नेम्ड ओलिविया। एक नेक्स्ट पॉइंट, मैं भी कोई कैरेक्टर नहीं बता रहा, ये सब मैं ड्रामा का पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें चूंकि जब भी डिस्कस करेंगे तो कैरेक्टर कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे, एक कहानी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं सिक्स पॉइंट की बात करूं, ड्यूक आर्सिनो इज इन लव विद अ लेडी नेम्ड, ड्यूक आर्सिनो इज इन लव विद अ लेडी नेम्ड ओलिविया, नेम्ड ओलिविया। ड्यूक आर्सिनो जो है एक लेडी को लव करते हैं जिसका क्या नाम है, ओलिविया, और ड्यूक आर्सिनो क्या कहते हैं, ड्यूक आर्सिनो याद होगा कि जो वायला है, जो सीजेरियो लड़का बनकर के ड्यूक आर्सिनो के साथ रह रही है, उससे कहते हैं कि तुम मेरे लव का प्रपोजल लेकर के उस औरत के पास जाओ। ध्यान में रखिएगा, ड्यूक आर्सिनो सेज वायला, ब्रेकेट में आपको अभी मैं लिखवा दूंगा सीजेरियो, ताकि आपको माइंड में, ये लड़का वहां पर है, और ड्यूक आर्सिनो कहते हैं कि तुम लड़के हो और तुम मेरे जो है, जो मेरा प्रपोजल है लव का, ये तुम्हें लेकर के जाना है, किसके पास जाना है, ओलिविया के पास जाना है। इसका मतलब जो वायला जो लड़की है वह सीजेरियो लड़का बन करके लव प्रपोजल लेकर के जाएगी, किसका लव प्रपोजल, ड्यूक आर्सिनो का, किसके पास जाएगी, ओलिविया के पास जाएगी। जैसे ही वो वहां जाएगी तो ओलिविया जो है वह ये कहेगी कि आई डोंट लाइक ड्यूक आर्सिनो बट आई लाइक एंड लव यू, आई लाइक एंड लव यू। रिमेम्बर दैट, कि जो वो ओलिविया है वह किसको लव करने लगेगी, वह जो है वायला को लव करने लगेगी। क्यों, चूंकि वायला किस फॉर्म, किस रूप में, वायला एक लड़के के रूप में है, तो वो सोचती है शायद यह लड़का है। अब कहानी में आप ट्विस्ट देखिए कैसे बदल रहा, तो यू हैव टू राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, एंड व्हाट इज दैट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज द सेवेंथ पॉइंट, ड्यूक आर्सिनो
सेंस वायला, ब्रेकेट में मैं लिख दे रहा हूं सीजेरियो। ये तो आप भूलेंगे नहीं ना कि सीजेरियो इसी वायला का नाम है। हाँ, इस चीज को आपको चूंकि ये थोड़ा सा हमेशा आपको हमेशा जब भी वायला आएगा तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वायला जो है तो लड़की, लेकिन वह लड़के का रूप वहां प्ले कर रहे हैं डिस्गाइज फॉर्म में। ड्यू कार्सिनो सेंस वायला जो कि सीजेरियो है विद लव प्रपोजल, प्रपोजल टू ओलिविया, ओलिविया हुम हुम ड्यूक लव्स, लव्स हुम ड्यूक लव्स। उसके बाद मैं इसे मिटा दे रहा, इरेज कर दे रहा हूं। ऑन हिज बिहाफ ड्यूक आर्सिनो जो है वायला को भेजते हैं जो कि एक लड़के का सीजेरियो के रूप में रोल प्ले कर रही है। किसके साथ भेजते हैं? लव प्रपोजल के साथ, अपने बिहाफ पर, कि मेरा जो है ये संदेश तुम्हें लेकर के जाना है। किसके पास जाना है? ओलिविया के पास जाना है, जिसको बहुत ज्यादा लव करते हैं या लाइक करते हैं। लेकिन व्हाट हैपेंस, जो जो है जो आपका जो जो ओलिविया है, वह ओलिविया क्या करती है कि ओलिविया ओलिविया डज नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, ओलिविया डज नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। तो इस प्रपोजल को जो है ओलिविया क्या करती, स्वीकार नहीं करती। व्हाट आई एम सेइंग, ओलिविया डज नॉट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, एंड फॉल्स इन लव विद वायला, ब्रैकेट में मैं हर जगह सीजेरियो लिख दे रहा हूं, सीजेरियो। अब कहानी का आप ट्विस्ट देखिए कि उसको वह लड़का के रूप में ट्रीट करती है, और ड्यूक के संदेश को जो है जब वह लेकर के जाता है तो वह जो है क्या होता है कि उसके ऊपर उसके गले ही वह पड़ जाती है। जब उसके गले वह पड़ जाती है तब उसके सामने दो समस्या है, एक तो वह लड़की जात, दूसरा चीज वह कि अब वो ड्यूक के पास कैसे वापस जाए और इस चीज का प्रपोजल को बताए कि हाँ मेरे साथ वो जो है शी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल एंड शी इज सेइंग दैट शी इज इन लव, या शी इज इन लव विद मी। तो वो कैसे इस पार्टिकुलर चीज को कहे, तो एक उसके सामने एक सिचुएशन पैदा हो जाता है कि इस तरह की सिचुएशन को, और पूरा का पूरा जो कहानी होती है वो ट्विस्ट होने लगती है चीजें। इसलिए आप देखेंगे कि शेक्सपियर की कॉमेडी में डिस्गाइसिंग फॉर्म में चीजें काफी हद तक नजर आती हैं, ये चीजें रही हैं। तो अभी तक की स्टोरी में मैंने आपको चार या पांच कैरेक्टर का नाम लिया। एक कैरेक्टर मैंने ड्यूक आर्सिनो बताया, दूसरा कैरेक्टर मैंने आपको वायला बताया जो सीजेरियो है, तीसरा मैंने आपको सीबेस्टियन बताया। सीबेस्टियन वहीं तक रह गया है, उसके आगे अभी बात नहीं हुई, जैसे उसको आएगा उस तरह से सिचुएशन बनेगी। उसके बाद एक कैरेक्टर मैंने आपको और बताया, वह कौन सा मैंने आपको बताया, ओलिविया। तो यहाँ तक की सिचुएशन आपको मैंने बताया कि इस तरह की चीजें हैं। और एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आर्सिनो तो ओलिविया को लव करते हैं, लेकिन जो वायला है, या वायला अंदर ही अंदर चूंकि लड़की है लेकिन रोल किसका प्ले कर रही है, शी इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ बॉय, लेकिन यह जो है यह किसके लव में है, शी इज इन लव विद ड्यूक आर्सिनो। राइट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, वायला ब्रैकेट में सीजेरियो इज इन लव
इज इन लव विद ड्यूक आर्सिनो, आर्सिनो। और जो ड्यूक आर्सिनो है या किसके लव में है, ड्यूक आर्सिनो इज इन लव विद ओलिविया। तो इस तरह की केमिस्ट्री जो है यू विल कम टू नो या यू विल फाइंड। ये लव का ट्रायंगल बन जाता है। जैसे आप देखेंगे इंडियन मूवीज में खास करके ये पार्टिकुलर चीज को दिखाया जाता है, लेकिन अभी उसमें एक आपका जो है कह सकते हैं कि एक साइड हीरो की एंट्री होगी, और वो जो साइड हीरो है वह सीबेस्टियन है। जब जैसे ही साइड हीरो आएगा तो पूरा का पूरा केमिस्ट्री सुलझ जाएगी कि किसका किसके साथ जो चीजें होंगी। लेकिन क्योंकि ड्रामा को एक पीक पर ले जाना है, तो पीक पर ले जाने के लिए ऐसे इस तरह से प्लॉट को ट्विस्ट किया गया है, इस तरह से कहानी को प्रेजेंट किया जाता है कि थोड़े समय के लिए आदमी के दिमाग में होता अब क्या होगा। लव इज हियर, लव इज हियर, लेकिन यह जो लव है आप देखेंगे कि हाउ इज इट रिवॉल्विंग। जो आर्सिनो है वह जो है आपका ओलिविया के साथ जाना चाहता है, ओलिविया जो है सीजेरियो के साथ जाना चाहती है, सीजेरियो जो है किसके साथ जाना चाहता है, ड्यूक आर्सिनो के साथ जाना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी पूरा का पूरा एक जो जो केमिस्ट्री है पूरा लव का, उसमें बहुत सारी जो है क्या है गुत्थिया है जो अभी लेटर ऑन ये सुलझेंगी। अब ये सिचुएशन होती है यहाँ पर। उसके बाद जो है आपको ये समझना है कि इन सब चीजों को जब हम देखते हैं, तो एक और यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूंगा कि जब सीजेरियो प्रपोजल लेकर के आता है, किसके पास प्रपोजल लेकर के आता है, प्रपोजल लेकर के आता है ओलिविया के पास, तो ओलिविया के यहाँ एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है सर एंड्रयू ऑकचीफ। आपको एक पॉइंट यहाँ पे लिखना है, सर एंड्रयू ऑकचीफ, A G U E CHEEK, सर एंड्रयू ऑकचीफ। सर एंड्रयू ऑकचीफ क्या करते हैं, चैलेंज सीजेरियो टू अ ड्यूल। जो भी पॉइंट होगा, पॉइंट नंबर 10, आपको केवल इतना लिखना है कि सर एंड्रयू ऑकचीफ चैलेंज चैलेंज सीजेरियो सीजेरियो इन अ ड्यूल। और ये जो सर एंड्रयू ऑकचीफ है, सर एंड्रयू ऑकचीफ जो है ये काफी हद तक ये चाहते कि मेरी मैरिज जो है किसके साथ हो जाए, मेरी मैरिज ओलिविया के साथ हो जाए। और जब ओलिविया जो है सीजेरियो के साथ जाना पसंद करती है तो इनको बुरा लगता है, और वो जो है कहते कहते कि ओलिविया मेरी है, तुम कैसे इंट्री यहां कर गए। तो अब देखिए, अब आप कहेंगे सर एक और कैरेक्टर की इंट्री हो गई जो लव में ही है, तो हर चीज क्या हो रहा है, लव को ही लेकर के है, लेकिन इस लव में कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा, रिमेंबर दैट, कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा है, जबरदस्ती कहीं पर नहीं है, हर को एक ऑप्शन दिया गया है लाइक और डिसलाइक का, जो शेक्सपियर कॉमेडी की 16th सेंचुरी में खासियत नजर आती है। सोसाइटी कैसी रही हो वो अपनी जगह है, बट अल्टीमेटली ऑप्शन हैज बीन गिवन कि हु यू हैव टू लाइक। तो एक कैरेक्टर है सर एंड्रयू ऑकचीफ। सर एंड्रयू ऑकचीफ क्या कहते हैं, चैलेंज करते हैं, किसको चैलेंज करते हैं, सीजेरियो को इन अ ड्यूल। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट जो लिखना है, पॉइंट नंबर 11, सर एंड्रयू ऑग AGUECHEE के, सर एंड्रयू ऑकचीफ इज अ रिजेक्टेड
स्वीटर, SUITOR, इज अ रिजेक्टेड स्वीटर। जो सर एंड्री ऑक्चीक है यह एक रिजेक्टेड स्वीटर है। रिजेक्टेड स्वीटर का मतलब कि इनको ओलिविया ने रिजेक्ट कर दिया, टू ओलिविया, ओलिविया ने इनको रिजेक्ट किया है कि वह इनसे मैरिज नहीं करेगी। तो एक चीज हमें ये माइंड में ध्यान रखना है कि सर एंड्री ऑक्चीक इज अ रिजेक्टेड स्वीटर टू ओलिविया। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि लास्ट में जो आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि सिबेस्टियन की एंट्री होती है, और इस एंट्री को समझने के लिए आपको उसकी स्टोरी या उसकी समरी को पढ़ना पड़ेगा। सिबेस्टियन मैरिज, सिबेस्टियन मैरिड ओलिविया। लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि जो सिबेस्टियन है, सिबेस्टियन की शादी किससे होगी? ओलिविया से होगी, और ड्यूक आर्सिनो मैरिड वायला। ड्यूक आर्सिनो मैरिड वायला। सो यू विल कम टू नो, ये पॉइंट है जो हम सब लोगों को ध्यान में रखना है। अभी मैंने पूरा एक पॉइंट आपको बताया है कि इस तरह की कहानी, लेकिन आप इस कहानी को कि आखिर कैसे ये मिस्ट्री सुलझती है, कैसे मैरिज करते हैं, उसमें कुछ कैरेक्टर्स है एंटोनियो जो उनको बचा लेते हैं क्या सिबेस्टियन को, और लास्ट में वो सब लोग जब कोर्ट में आते हैं तो गुत्थी सुलझ जाती है, और तब पता चलता है कि जो ओलिविया रही है जो सीजेरियो को अपना समझती है मेरा हस्बैंड है, इसको मैं लाइक करती हूँ, वह रियली में कंफ्यूज रहती है सीजेरियो और उसके भाई सिबेस्टियन के बीच में लेकर के। तो मैंने इसीलिए कहा कि जब तक आप ड्रामा की समरी को खुद से नहीं पढ़ेंगे, जैसे मैं इतना अगर आपको बता दे रहा हूं, तो इसके बाद जब आप ड्रामा की समरी को पढ़ेंगे तो जहां पे चीजों को लेके कंफ्यूजन है कि एक घटना कैसे हो जाती है, तो ये घटना तभी पूरा क्लियर हो पाएगा जब आप पूरी मूवी देखेंगे। हम आपको पूरी मूवी नहीं दिखा सकते 1 घंटे, हम आपको पूरा फ्लैशबैक, पूरी चीजें, ये सब चीजें दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ काम आपके खुद के अपने हैं जो आपको करना है। मैं आपको घटना बता दे रहा हूँ, कैरेक्टर बता दे रहा हूँ, स्थान बता दे रहा हूँ, कहानी बता दे रहा हूँ, कहानी मतलब थीम बता दे रहा हूँ, बट आफ्टर इट यू हैव टू डू समथिंग, एंड व्हाट इज दैट थिंग? यू हैव टू गो विद दिस पॉइंट, जिसमें हम आपको एक पॉइंट ये बता दे रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक कैरेक्टर है जो कि क्या करता है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ मालवोलियो। एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मालवोलियो। अब यहां से आपको ध्यान में रखना, इसे क्वेश्चन पूछा गया है, मालवोलियो ही फॉल्स इन लव विद ओलिविया, ये भी ओलिविया के चाहने वालों में से रहे हैं, और इनकी बहुत ज्यादा हंसी उड़ाई जाती है। जो प्यूरिटन की बात जो हम करते हैं कि प्यूरिटन का हंसी उड़ाई गई है वह मालवोलियो को लेकर के, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मालवोलियो इज अ कैरेक्टर हु रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ प्यूरिटन्स। आगे मैं आपको वही लिखवाऊंगा, मालवोलियो एक कैरेक्टर है, ही फॉल्स इन लव विद ओलिविया, ही प्रेजेंट्स द आइडियोलॉजी ऑफ प्यूरिटन्स, IDEOLOGY, आइडियोलॉजी ऑफ प्यूरिटन्स।
दूसरा चीज, ही इज अ कॉमिक कैरेक्टर, ही इज अ कॉमिक कैरेक्टर, कॉमिक कैरेक्टर, ही इज अ कॉमिक कैरेक्टर। दूसरा चीज, ही इज द पार्ट ऑफ सब प्लॉट, ही इज द पार्ट ऑफ सब प्लॉट ऑफ द प्ले, सब प्लॉट ऑफ द प्ले, वह प्ले के सब प्लॉट का हिस्सा है। ही इज द पार्ट ऑफ सब प्लॉट ऑफ द प्ले। नेक्स्ट जो है एक कैरेक्टर है, इसमें भी एंटोनियो, ही इज अ कैप्टन हु सेव्स सीबेस्टियन, सीबेस्टियन ब्रदर ऑफ वायला, ब्रदर ऑफ वायला। तो एंटोनियो इसमें नाम का, एंटोनियो नाम का एक कैरेक्टर है, लेकिन यह जो एंटोनियो है वह कैप्टन है जो कि बचाता है, किसको बचाता है, सीबेस्टियन को, जब जहाज वहां पे शिप रेक हो जाती है वहां पे वो बचा लेता है उनको जो है। तो एंटोनियो इज अ कैप्टन हु सेव्स सीबेस्टियन ब्रदर ऑफ वायला, VIOLA, ब्रदर ऑफ वायला। एक और कैरेक्टर है जिनका नाम है, हाँ या ही इज अ कैप्टन हु सेव्स सीबेस्टियन ब्रदर ऑफ वायला। एक और कैरेक्टर है टॉबी बेल्च, BELCH, ये पूछा जा चुका है, टॉबी बेल्च पूछा जा चुका है। जो टॉबी बेल्च है, ही इज एन अंकल, ही इज अंकल ऑफ वायला, अंकल ऑफ, सॉरी, अंकल ऑफ वायलन, अंकल ऑफ ओलिविया, ओलिविया एंड अ ड्रिंकर, अंकल ऑफ ओलिविया एंड अ ड्रिंकर। एंड अ ड्रिंकर, DRINKER, एंड अ ड्रिंकर। नेक्स्ट कैरेक्टर है फेस्टी, FESTE, फेस्टी, फेस्टी जो है सर्वेंट टू ओलिविया है, सर्वेंट ऑफ ओलिविया, सर्वेंट ऑफ ओलिविया, नेक्स्ट कैरेक्टर है मारियो, ओलिवियाज मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, ओलिवियाज मेड सर्वेंट। नेक्स्ट कैरेक्टर है फेबियन, फेबियन ये माइनर कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी नाम लिख लीजिए, ये नहीं हो सकता कि हाँ इनके बारे में ना पता हो, किस प्ले में है कम से कम ये पता हो। फेबियन जो है हाउस होल्ड ऑफ ओलिविया, ही इज हाउस होल्ड ऑफ ओलिविया,
हाउस होल्ड ऑफ ओलिविया। सो यू विल कम टू नो, ये पूरा का पूरा एक सिचुएशन है जो मैंने कैरेक्टर को लेकर के डिस्कस किया, मैंने लेकर के बताया। फिर से एक बार मैं पूरी चीजों को समराइज कर देना चाहता हूँ, खासकर कैरेक्टर का नाम। ऐसा नहीं कि मैं कोई स्टोरी बताना चाहता हूँ, मैं केवल उनका नाम लूंगा और आपको खुद पता हो जाएगा कि कौन क्या रोल प्ले किया है। एक कैरेक्टर है ड्यूक आर्सिनो, जो कि बहुत ही जेंटलमैन है और साथ ही साथ एक सम्मानित परिवार से बिलोंग करते हैं, और एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है, एक उनका कैरेक्टर है उसमें, और काफी रिच आदमी है, जहां पे आप देखेंगे कि सारे लोग आते हैं, चाहे वो वायला हो चाहे सीबेस्टियन हो, काफी लोग उनके कोर्ट में आते हैं जाते, इस तरह की सिचुएशन रही है। तो ड्यूक आर्सिनो, और ड्यूक आर्सिनो इज वेरी रोमांटिक मैन। ड्यूक आर्सिनो जो है अपने ही एरिया की एक लेडी को लव करते हैं, और उस लेडी का जो नाम है, उसका क्या नाम है, ओलिविया है। ध्यान में रखिएगा कि ड्यूक आर्सिनो जो है लव करते हैं किसको, ओलिविया को लव करते हैं। ड्यूक आर्सिनो के यहाँ एक नौकर है, उस नौकर का क्या नाम है, सीजेरियो। लेकिन यह जो नौकर सीजेरियो है, यह कोई और नहीं बल्कि वायला है, हीरोइन ऑफ द प्ले। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ड्यूक आर्सिनो के यहाँ जो नौकर है, वह लड़के का रूप धारण किया हुआ है, लेकिन वास्तविकता में वह क्या है, लड़की है। और वह लड़की कौन है, वायला है, जो कि हीरोइन ऑफ द प्ले है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो वायला है उसका एक भाई भी है, जिसका नाम क्या है, सीबेस्टियन है। ये दोनों जो है क्या करते हैं, जहाज से यात्रा करते रहते हैं, लेकिन इलीरिया नाम की जगह पर, इलीरिया नाम की जगह पर वह जहाज जो है एक तरह से समुद्री तूफान या जो भी दुर्घटना हुई हो वहां पे वो टकरा जाती है, जहाज टूट जाती है, और किसी तरह से जो वायला है वो बच जाती है, और ये सोचती है कि मेरा भाई जो सीबेस्टियन है शायद वह डूब गया, और ये आप कहती है मेरी जिंदगी अकेले है, मैं कैसे क्या करूं, कैसे अपनी जिंदगी को मैं गुजारूं। तो वह लड़के का रूप धारण करके ड्यूक आर्सिनो के दरबार में रहती, क्योंकि जो इलीरिया जो जगह है वह इलीरिया जगह ड्यूक आर्सिनो के ही अपना एरिया में आता है, और वह जो है लड़की जो वायला है सीजेरियो का रूप धारण करके ड्यूक आर्सिनो के दरबार में आती है, और ड्यूक आर्सिनो के काफी करीब हो जाती है, और उनका पेज बन जाती है, पेज अटेंडेंट, विश्वास पात्र बन जाती है। और ड्यूक आर्सिनो कहते हैं उससे कि आई एम इन लव विद अ ब्यूटीफुल लेडी नेम्ड ओलिविया, और तुम्हें मेरे प्यार के संदेश को उसके तक पहुंचाना है। वो कहती ठीक है, जब वो उनके प्यार के संदेश को ले जाती है, किसके पास ले जाती है, ओलिविया के पास, तो ओलिविया इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है और खुद जो है इसके प्यार में पड़ जाती है। तो अब वो द्वंद की स्थिति है कि मैं, एक तो पहली बात, इसने जो है ड्यूक आर्सिनो के प्रपोजल को स्वीकार नहीं किया, ऊपर से यह मुझे ही लव करने लगी, अब मैं क्या कहूंगी ड्यूक आर्सिनो से। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे कि एक और कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का नाम मैंने आपको बताया था, जो मैंने अभी बीच में ही लिखवाया हुआ है, उस कैरेक्टर जो कि औक्षीक है, और वे उसको क्या करते हैं, उसको जो है एक तरह से जो ड्यूल होता है, उस ड्यूल के लिए उसको चैलेंज करते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो है एक तरह से रिजेक्टेड सूटर है। किसके रिजेक्टेड सूटर है, दैट इज अ रिजेक्टेड सूटर ऑफ ओलिविया। ओलिविया उनको जो है लाइक नहीं करती है और वो रिजेक्टेड सूटर है। तो सर एंड्री ऑक्चीक जो को ये चीज थोड़ा सा बुरा लगता है कि मैं ओलिविया को लव करता हूं, लेकिन ओलिविया मुझे नहीं चाहती है, और ओलिविया कैसे सीजेरियो या वायला को चाह सकती है। तो ये चीज उसको वहां पे एक घटना होती है। दूसरा चीज मैंने आपको ये बताया कि बीच में सीबेस्टियन की इंट्री होती है, क्योंकि सीबेस्टियन बचा लिया जाता है, किसके द्वारा बचा लिया जाता है, एंटोनियो के द्वारा।
अब आप ये ना पूछे कैसे बचा लिया जाता, क्यों बचा लिया जाता, कहाँ बचा लिया जाता। अगर सब हम ही कुछ कर देंगे तो कुछ आप भी को भी करना है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ यह एक थोड़ा सा मिस्ट्री है जो आपको जो है ध्यान में रखना और आपको खुद से प्रयास करना है। तो ये एंटोनियो जो सी कैप्टन है वह किसको बचा लेता है, वह सिबेस्टियन को बचा लेता है। और सिबेस्टियन कहाँ पर आता है, सिबेस्टियन की एंट्री जो है ड्रामा में दिखाई जाती है और तब पता चलता है कि आखिर जो है यह कंफ्यूजन था। कैसा कंफ्यूजन था, जो वायला है और जो सिबेस्टियन है दोनों जो है जुड़वा भाई बहन है, चेहरे मोहरे से दोनों एक जैसे नजर आते हैं। क्योंकि वायला ने लड़के का रूप धारण कर लिया था तो जहां पर वह जाती थी वह सिबेस्टियन जैसा ही नजर आती थी। और रियली में जो आपकी ओलिविया है वह किसको लव करती है, ओलिविया सिबेस्टियन को लव करती थी, लेकिन वह समझती है कि सिबेस्टियन ही सीजेरियो है। लेकिन जब दोनों सामने आते हैं तब जाके कंफ्यूजन दूर होता है कि सिबेस्टियन ए है और आपका सीजेरियो ए है। तो पता ये चलता है कि जो सिबेस्टियन है वह मैरिज कर लेता है ओलिविया से। अब वायला सोचती है कि व्हाट कैन आई डू। तो वायला पहले से ही ड्यूक आर्सिनो के लव में, जब वह कोर्ट में रहती वहीं पर रहती, फिर ड्यूक आर्सिनो जो है वायला से मैरिज कर लेते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी जब शेक्सपियर कॉमेडी पढ़ा रहे थे तो दो बातें थी, एक तो म्यूजिक, दूसरा एक बात थी कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ। तो उसके बाद एक और बात थी कि शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज। जो शेक्सपियर की कॉमेडी है उसमें चाहे माइनर कैरेक्टर होंगे चाहे मेजर कैरेक्टर होंगे, लास्ट में सबकी मैरिज होती है अपने अपने सूटर के साथ जिसको लाइक करते हैं, जिसको लाइक करने मतलब जो कोई फोर्स नहीं है लेकिन जिसको जिसको वो लाइक करती है उस हिसाब से उनका होता है, उनकी अपनी एक च्वाइस होती है। दूसरा चीज फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी, अगर आप देखेंगे ज्यादातर यह डिसाइड किया गया है कि जो फीमेल है वे अपने लाइफ पार्टनर को चूज करती है और अपने लाइफ पार्टनर को रिजेक्ट करती है। आप यहीं पर देखिएगा ओलिविया जो है किसको रिजेक्ट कर देती है, ड्यूक आर्सिनो को रिजेक्ट कर देती है, किसको चूज कर लेती है, सिबेस्टियन को चूज कर लेती है। पोर्सिया किसको चूज करती है, बैसानियो को चूज करती है, जबकि पोर्सिया से शादी करने के लिए बड़े बड़े राजकुमार बड़े बड़े घराने से लोग आए थे, फ्रांस से आए थे, मोरक्को से आए थे, कहां कहां से आए थे, लेकिन सबको रिजेक्ट करके किसको चूज करती है, बैसानियो को चूज करती है। तो यह राइट दिया गया है शेक्सपियर कॉमेडी में किसको, फीमेल को, चूंकि यह फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी है, कैरेक्टर्स जो फीमेल कैरेक्टर्स है उनको यह राइट दिया गया जो आपके माइंड में चलना चाहिए हमेशा जो है कि एक उसकी खासियत है। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि ड्रामा में एक सब प्लॉट, अभी तक तो जितनी घटना हुई है ड्यूक आर्सिनो वायला ओलिविया सिबेस्टियन ये सब मेन प्लॉट के किरदार है, लेकिन एक सब प्लॉट है, उसी सब प्लॉट में एक कैरेक्टर है मालवोलियो जो प्यूरिटन आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वहां पे हंसी उड़ाई गई है और उसके कपड़े उसके सॉक्स जब आप पढ़ेंगे तो उसके सॉक्स को लेकर के बात की गई है। तो वहां पर आपको नजर आएगा कि वो थोड़ा सा टिपिकल कैरेक्टर है और उसकी वहां पे हंसी उड़ाई जाती है। तो आपको सब प्लॉट की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन सब प्लॉट को इंटरलिंक किया गया मेन प्लॉट से। कैसे इंटरलिंक किया गया है, मालवोलियो भी किसको लाइक करता है, ओलिविया को, तो वह सब इंटरलिंक हो जाता है। इसी के साथ साथ एक कैरेक्टर मैंने आपको बताया था टॉबी बेल्च जो कि जो है अंकल है और ड्रिंकर भी है, ही टेक्स ड्रिंक। फिर मैंने कुछ नौकर के नाम लिए हैं जिसमें जो है क्या नाम है कि आपका फेबियन है, मारियो है, फेस्टी है, इतने कैरेक्टर का मैंने नाम लिया है। शायद मैं एक कैरेक्टर का नाम भूल गया हूं कि उनको लिखवाना, मुझे जहां तक याद है वैलेंटाइन एंड क्यूरियो का, आई थिंक आई फॉरगॉट। तो एक आप और लिख लीजिएगा वैलेंटाइन एंड क्यूरियो, वैलेंटाइन एंड क्यूरियो, ये जो है दे आर अटेंडेंट ऑफ आर्सिनो, दे आर अटेंडेंट ऑफ आर्सिनो। They are attendant of Arsino.
आर्सिनो को मतलब ड्यू का आर्सिनो। उसके बाद आपको आना है इंपॉर्टेंट लाइन। इंपॉर्टेंट लाइन्स में एक आपको सबसे पहली लाइन जो मैं इसके पहले भी बता चुका हूं, इफ म्यूजिक बी द इंपॉर्टेंट लाइन्स में सबसे पहली लाइन है इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव देन प्ले ऑन। ये बात जो कही है किसने कही है, ड्यूक आर्सिनो ने। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव देन प्ले ऑन। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीमेन आर एज रोजेज, वीमेन आर एज रोजेज, वीमेन आर एज रोजेज हूज फेयर फ्लावर, हूज फेयर फ्लावर, Women are as roses whose fair flower being once displayed, B-E-I-N-G, being once displayed, being once displayed, doth fall that very hour. Doth fall that very hour. ये भी बात किसने कही, ड्यूक आर्सिनो ने। जो वीमेन है वे रोजेस जैसी होती हैं, जैसे रोजेस बहुत जल्दी मुरझा जाता है वैसे उनकी ब्यूटी भी बहुत जल्दी मुरझा जाती है। ये बात उन्होंने कहा, फॉर वीमेन आर एज रोजेस हूज फेयर फ्लावर बीइंग वन डिस्प्लेड डॉट फॉल दैट वेरी आर। एक और जो है इंपॉर्टेंट बात है, डायलॉग है, आई विल डू, ये पूछा जा चुका है, नेक्स्ट थर्ड है, आई विल डू माय बेस्ट, टू ऊ का मतलब टू अट्रैक्ट यू योर लेडी। ये बात किसने कही, वायला, VIOLA।
नेक्स्ट एक और बात जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है, फोर्थ पॉइंट बनेगा, दिस फ्लो इज, दिस फ्लो इज वाइज एनफ, दिस फ्लो इज वाइज एनफ टू प्ले द फूल, टू प्ले द फूल, दिस फेलो इज वाइज एनफ टू प्ले द फूल। ये बात किसने कही? वायला ने कही, VIOLA, वायला। दिस फेलो इज वाइज एनफ टू प्ले द फूल। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता भी होगा कि हाँ ये बात रही है। नेक्स्ट अगर मैं सिक्स पॉइंट कहूं, बी नॉट अफ्रेड ऑफ, बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम आर बॉर्न ग्रेट कामा सम अचीव, ACHIEV, सम अचीव एक बात किसने कही? फेस्टी ने कही है, एक FESTE, बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, सम आर बॉर्न ग्रेट सम अचीव। करें, हमें महान होने से डरना नहीं चाहिए, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग अपने परिश्रम से जो है महान बन जाते हैं। नेक्स्ट, आई हेट आई हेट इन ग्रेटिट्यूड मोर इन अ मैन, मोर इन अ मैन। ये जो बात कही गई है, ये भी किसने कहा? ये वायला ने कहा। वायला कहती कहते कि मैं बहुत ज्यादा इनग्रेटिट्यूड आदमी के प्रति होने से, आई हेट, मैं घृणा करती इनग्रेटिट्यूड शो करने में, मोर इन अ मैन। एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग और है, दैट इज अर्थ बाय इनोसेंस, बाय इनोसेंस आई स्वेयर, स्वेयर माने कसम खाना, बाय इनोसेंस आई स्वेयर एंड बाय माय यूथ, एंड बाय माय यूथ I have one heart, I have one heart, by innocence I swear and by my youth I have one heart, one bosom and one truth, one bosom and one truth, one bosom and one truth. ये बात वायला ने कही है,
एक बस लास्ट लाइन में बोलूंगा, दैट इज शायद 9 होगा, कम अवे, कम अवे डेथ, 2 मिनट, कम अवे डेथ, कम अवे डेथ, फ्लाई अवे, फ्लाई अवे ब्रीथ, फ्लाई अवे, फ्लाई अवे, अवे ब्रीथ, कम अवे डेथ, फ्लाई अवे ब्रीथ। और भी उसके साथ लाइनें मिली हुई है, लेकिन आपको बस इतना ही चीज से समझना है, ये बात जो कही गई है क्लाउन ने कहा हुआ है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच आई डिस्कस्ड विद यू, और वी विल मीट इन द इवनिंग एट 6 PM टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन एज ऑफ रिवाइवल। सो नाउ यू हैव टाइम, इफ यू गेट टाइम, बिकॉज आई नो दैट यू ऑल आर बिजी, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, घर की भी, स्कूल की भी, अपने काम को भी आप लोग देख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में इफ यू गेट टाइम, अगर आपको समय मिलता है तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, नहीं तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं शाम को 6 बजे आपसे मुलाकात करूंगा और ये जा रिवाइवल पे बात करूंगा। मैं इस समय घर पर हूँ, तो इस वजह से मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, पूरा लेक्चर इसी पॉइंट वाइज ही उस पर भी चलेगा, उस पर भी मैं बात करूंगा। सो मैं रिकॉर्डिंग में क्लोज कर रहा हूँ।